दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं। केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं, वो तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद ब खुद बर्खास्त करके जेल भेज दिया। किसी को उनके भ्रष्टाचार का नहीं पता था, ना मीडिया को, ना विपक्ष को, किसी को नहीं पता था। हम चाहते तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाक्या हुआ था, जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था। तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देश तो क्या, पूरी दुनिया ने भी राजनीति में इस स्तर की ईमानदारी नहीं देखी है। जिस दिन पंजाब के हमारे मंत्री को हमने जेल भेजा, बहुत लोगों के फोन आए। लोग भावुक हो रहे थे, बोल रहे थे, सर हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस जीवन में इस स्तर की ईमानदारी देखेंगे। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती, तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई कई झूठे केस किए, सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए, मेरे ऊपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई, कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। भगत सिंह देश के लिए और सच्चाई के लिए शहीद हो गए। देश के लिए, समाज के लिए जेल जाना दूषण नहीं होता, भूषण होता है। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझता है कि आम आदमी पार्टी में रहना है तो हमेशा जेल जाने के लिए और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है। ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगी। मैं समझ सकता हूं उनकी पत्नी और उनके बच्चों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाभी जी, आपके पति बेहद साहसी हैं। बच्चों, आपके पिता बेहद साहसी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। उन्होंने पूरे देश को एक बेहद शानदार स्वास्थ्य का मॉडल दिया है, जहां सबका इलाज फ्री होता है। उन सब करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, जिनका उन्होंने फ्री में इलाज करवाया है। ऐसे शख्स पे पूरे देश को गर्व है। भगवान उनके साथ हैं। एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं, वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। इसलिए आज मैं विवश हूं कुछ प्रश्न पूछने के लिए। मेरा पहला प्रश्न, भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते,
क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने चार शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की। मेरा दूसरा प्रश्न, केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन साल 2016 में? केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? केजरीवाल जी से मेरा चौथा प्रश्न, क्या यह सत्य है कि डिवीजन बेंच दिल्ली हाईकोर्ट ने 21/8/2019 के अपने ऑर्डर में यह कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल जी के न सिर्फ सरकार में मंत्री, उनके परम मित्र, उनके सहयोगी ने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की? अगर केजरीवाल जी के पास कोर्ट के इस दस्तावेज की कोई कॉपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधिवत बड़े सम्मान के साथ ये कॉपी ऑर्डर की उन्हें भेज सकते हैं। मेरा पांचवा प्रश्न, क्या यह सत्य है केजरीवाल जी कि सत्येंद्र जैन शेल कंपनीज के मालिक हैं? उन शेल कंपनीज का नाम है इंडो मेटैली इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगल यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनियां वो अपनी धर्मपत्नी जी के साथ शेयर होल्डिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। एक और कंपनी जेजे आइडियल एस्टेट लिमिटेड, इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सत्येंद्र जैन की, उनके परिवार की, उनकी धर्मपत्नी की, जिसको कल केजरीवाल जी प्रेस के माध्यम से ढांढस बंधा रहे थे कि भाभी जी डरने की जरूरत नहीं है, ये केजरीवाल जी के शब्द थे। क्या यह सत्य है, मेरा छठा प्रश्न, कि सत्येंद्र जैन ने 200 बीघा जमीन कराला और चंडी, निजामपुर, बुधम, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के संदर्भ में
इस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन का मालिकाना हक इन शेल कंपनियों के माध्यम से क्या सत्येंद्र जैन की ओनरशिप में बेनिफिट में आया? मेरा सातवां प्रश्न, क्या ये सत्य है कि जो 200 बीघा की जमीन है वो उन अनऑथराइज कॉलोनीज के आसपास है जिसके संदर्भ में मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी का और आम आदमी पार्टी के माध्यम से क्या ये कारण बना कि वो अनऑथराइज कॉलोनीज रेगुलराइज हुई? मेरा आठवां प्रश्न, केजरीवाल जी, क्या ये सत्य है कि सत्येंद्र जैन आज प्राइम अक्यूज्ड है चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत? मेरा नौवां प्रश्न, केजरीवाल जी, क्या ये सत्य है कि 16,39,00,000 मनी लॉन्ड्रिंग की जो सत्येंद्र जैन जी की इनकम है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाए? ये प्रस्ताव स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनीज का था? मेरा आखिरी प्रश्न, जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया 16,39,00,000 मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी, क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं?